योगी के पांच चहेतों ने संभाली रायबरेली, ना हुआ तांडव, ना हुई आगजनी, ना मचा कोहराम, कायम रहा रायबरेली का अमन चयन का रिकॉर्ड। आखिर कौन है वो चेहरे, एक एक करके हम आपको बताएंगे। पहला नाम माला श्रीवास्तव, डीएम रायबरेली। जिला की कमान संभालने के बाद जिले की सूरत बदलने की नीति अपनाने से पहले ही कई जिम्मेदारी मिली, जैसे अन्य जनपदों में हो रहे सांप्रदायिक बवाल को यहां पांव न पसारने देना व योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस की नीति को एक अलग दर्जे का मुकाम देना। आपको बता दें कि शांत स्वभाव की IAS माला श्रीवास्तव का प्रशासन को चलाने का तरीका कुछ अलग ही है। भ्रष्टाचार पर लगाम, एक्शन ऑन स्पॉट जैसी कई नीतियां इनके वो हथियार हैं जिससे हर गलती करने वाला डरने लगा है। जो कानून व्यवस्था या शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोई भी कोशिश करेगा तो उससे बेहद सख्ती से निपटा जाएगा। इसलिए मेरा कहना है कि कोई ऐसी कोशिश ना करें। अगर किसी को किसी बात पर कोई आपत्ति है तो आकर अपनी बात रखें, ज्ञापन दें, जो बात करनी हो वो डेमोक्रेटिक तरीके से करें। कानून व्यवस्था या शांति व्यवस्था के साथ कोई भी खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं। दूसरा नाम आलोक प्रियदर्शी, SP रायबरेली। रायबरेली आते ही कैसे कमान संभालना है इस पर ध्यान देना जैसे आलोक प्रियदर्शी के बाएं हाथ का खेल रहा। आते ही कुछ घंटे बीतते हैं और अपराध से सामना होता है, फिर जवाब इतना कि अपराध को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता, पर हाँ मैं इस पर लगाम जरूर लगाता रहूंगा। या तेवर ने बता दिया कि कुछ तो नया देखने को मिलेगा, फिर फरमान जारी हुआ कि कानपुर में शांति भंग हुई है। योगी की बैठक से पहले ही IPS आलोक प्रियदर्शी ने अपने थानेदारों को रेकमेंड किया कि माहौल 24 घंटे कंट्रोल में कैसे करना है, और फिर शनिवार से अगले शुक्रवार तक रात 12 बजे तक समय समय पर सड़कों पर शस्त्र बल के साथ फ्लैग मार्च किया। यह एक्शन मोड लोगों के लिए अच्छा रहा, वहीं उपद्रवियों के लिए काल दिख रहा था, इसलिए न जुम्मा में बवाल दिखा न गुम्मा दिखा, दिखा हर कोई खुशहाल। तीसरा नाम विश्वजीत श्रीवास्तव, ASP रायबरेली। SP के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते रहे ASP। उनके दिमाग में मानो सिर्फ इतना देखने को मिल रहा हो कि सुकून और क्राइम कंट्रोल की बातों का एक दिमाग में जाल सा बना लिया हो, और जुम्मे को लेकर योगी के मंसूबों पर खरा उतरा रायबरेली में ये अधिकारी। चौथा नाम वंदना सिंह, CO सिटी। नाम सुनकर फ्लावर समझा क्या, फायर है मैं। कुछ ऐसी फिल्म स्टाइल में कार्य करने का तरीका अपनाती है रायबरेली की CO सिटी। आते ही सिटी की जिम्मेदारी सूझबूझ से निभाने वाली अधिकारी वंदना सिंह नाम की तरह शालीन तो हैं, पर हाथ में जब डंडा होता है तो एक्शन दिखाने में गुरेज नहीं करती। कंट्रोलिंग कैसे बरकरार रहती है इसको हम पहले ही देखा चुके हैं। जब हमने फ्लैग मार्च के तहत वंदना सिंह से खास बातचीत की थी, वो तेवर ही हैं इस अमन चयन के रिकॉर्ड को बरकरार करने का असली राज, और यही बनाता है एक कुशल प्रशासनिक अधिकारी। अराजक तत्वों की इनके मैसेज की, अगर उन्होंने कुछ भी गलत किया तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैम बात की जाए कानपुर में भी स्थिति अचानक से बिगड़ी। पांचवा राघवन प्रताप सिंह, शहर कोतवाल। बात शहर की हो तो कई संवेदनशील इलाके ऐसे हैं जहां काफी समय पहले कई उपद्रव भी देखे गए हैं। रायबरेली में अमन चैन को नजर नहीं लगी और शहर कोतवाल रात रात तक अपनी टीम के साथ उच्च अधिकारियों के निर्देशों का पालन करते दिखे। सामंजस्य कुछ इस कदर रहा कि अगर कोई इधर उधर भी करता मिला तो थोड़ी देर बाद सलाखों में मिला।